तो हेलो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त संदीप सिंह की आज फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। बेसिकली आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, यदि आप अपनी कंफर्म टिकट रेलवे की कैंसिल करना चाह रहे हैं तो उसमें जो रिफंड है वो आपको कितना मिलेगा, यानी कि जो आपका जो उसमें पैसा है वो कितना कट होगा और बाकी का पैसा हमें कैसे मिलेगा, और बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि 2024 लगा है उस हिसाब से रेलवे की कुछ नई अपडेट्स आई हैं, तो मैं वो पॉइंट्स मैं बता दूं कि जो कैंसिलेशन को लेकर के डाउट्स थे और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करके भी पूछा था कि किस किस क्लास के कितना कितना चार्ज लगता है, जैसे कि फर्स्ट एसी का है, सेकंड एसी का है, थर्ड एसी का है, इसी के साथ स्लीपर क्लास का है, जो चार्जेस कितने कटने वाले हैं, यानी कि कितना पैसा कट होगा और बाकी का पैसा मुझे कितना मिलेगा। तो इस वीडियो में यही डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को सीधा स्टार्ट करता हूँ। और एक बात और बता दूँ कि कितने घंटे आप पहले अपनी टिकट कैंसिल करें और कितना परसेंटेज कटेगा, तो वीडियो को पूरा देखें, इसका बिल्कुल भी ना करें। तो यदि आप 48 घंटे पहले अपनी टिकट कैंसिल करना चाहते हैं, कंफर्म टिकट है, तो उसके जो चार्जेस हैं तो आइए मैं बताता हूं। तो जो चार्जेस हैं, जैसे कि आप अपने फर्स्ट एसी की टिकट कैंसिल कर रहे हैं तो उसका चार्जेज आपको 240 रुपये कटने वाले हैं। वहीं मैं बात करूं तो सेकंड एसी के जो चार्जेज हैं वो आपके 200 रुपये, यानी कि 200 रुपये कट होंगे। वहीं पर आप अगर थर्ड एसी की अपनी जो टिकट कैंसिल कर रहे हैं तो उसके जो चार्जेज हैं आपको 180 यानी कि 190 रुपये इतने आप पे कटने वाले हैं। बाकी के जो रुपए हैं वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अगर आपने काउंटर टिकट लिया है उसे भी आप कैंसिल काउंटर से करा रहे हैं तो सीधी सी बात, वो आपको काउंटर से आपको कैश मिल जाएगा। और यहीं मैं बात करूं तो स्लीपर क्लास वालों के लिए, जो ऑनलाइन टिकट बुक की है और आपकी कन्फर्म टिकट है, तो 48 घंटे ही पहले आप कैंसिल कर रहे हैं तो इसका जो चार्ज है स्लीपर क्लास वालों के तो 120 रुपये कटने वाले हैं, बाकी के रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये है 2S वालों के लिए, उसमें कुछ 60 रुपये ऐसे कुछ कट होते हैं और उसमें भी जो बाकी का चार्जेस हैं वो आपको मिल जाते हैं। यदि यहीं पर मैं बात करूं, आप 24 घंटे पहले या फिर 12 घंटा पहले अपना टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो रेलवे कितना चार्ज कट करेगा, तो सीधी सी बात दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें जो रेलवे के नए अपडेट हैं तो वो आपका 50% कट कर देगा, बाकी का जो पैसा होगा वो आपको मिल जाएगा। तो यानी कि अगर आपको कैंसिल करना है तो 48 घंटे पहले ही करें, ताकि जो 25% है या फिर जिस तरीके से मैंने बताया, तो वो बाकी का पेमेंट आपको मिल जाएगा। और उम्मीद है इस वीडियो में मैंने ये जो बताया है आपको समझ आ ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।